25 साल का यह उत्सव हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस का, और प्रधानमंत्री इस मौके पर खुद कारगिल पहुंचे और उन्होंने जवानों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, और वो लड़ाई जो भारत ने लड़ी शौर्य की उस गाथा को फिर से जीने की कोशिश की। वहीं प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर कड़ा मैसेज वहां से पाकिस्तान को दिया है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर जो सवाल विपक्ष खड़े कर रहा था उस पर भी खरी खरी कहते नजर आए प्रधानमंत्री। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने लद्दाख से जंग के नायकों को दी श्रद्धांजलि। आहुति देने वाले बहादुरों को किया याद। प्रधानमंत्री मोदी आज शौर्य और वीरता की कहानी के लिए कारगिल पहुंचे, जहां उन्होंने कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर सैल्यूट किया और कहा कि हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, बल्कि सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाउड एंड क्लियर अग्निपथ योजना पर भी मोहर लगा दी। देश में भ्रम फैलाने वाले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार करते हुए सवाल किया और पूछा कि सेना के रिफॉर्म पर सियासत क्यों हो रही है। इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जुट की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ भी जमकर गरजे। लाउड एंड क्लियर शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के आकाओं को साफ बता दिया कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, हमारे जवान आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा, पाकिस्तान आतंकवाद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का काम करता है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। एक तरफ तो जवानों को श्रद्धांजलि, तो दूसरी तरफ आतंकवाद के आकाओं को चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज से साफ कर दिया कि जो भी देश को जरा भी हिलाने की कोशिश करेगा वो ज्यादा दिनों तक जवानों की गोलियों से नहीं बच पाएगा। भारत माता की, भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पराक्रम पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने आज आतंक के आकाओं को बड़ा संदेश दिया। एसपी सीधे का रुख करेंगे मीनाक्षी के ग्राउंड जीरो से, लेकिन उसके पहले बता दें आपको कारगिल विजय दिवस पर भारतीय वायुसेना ने पराक्रम की एक और तस्वीर जारी की है, देखिए। अपनी तो बस यही उड़ान है।
और लगातार मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था तो उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया है। दूसरी ओर आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्या जानकारी? बिल्कुल, कारगिल विजय दिवस पर यह पहला मौका है जब 25 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने न केवल श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया, बल्कि पाकिस्तान को सीधे सीधे करारा जवाब देते हुए यहां से चेतावनी भी दे डाली कि आतंकी जो आका है वो यहां से खुलेआम सुन सकते हैं कि अब इस तरीके की कोई भी हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से एक जो टनल है उसका भी उद्घाटन किया है, क्योंकि पिछले बार अगर हम 1999 की बात करें तो 1999 में देखने को मिला था NH1 को निशाना बनाया गया था ताकि पूरी तरीके से कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अब एक नया विकसित भारत देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि श्रृंखला ला टनल जो बनेगी उसके तहत अब लद्दाख से लेह से किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी काट पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अभी भी यहाँ पर आने जाने का लोगों का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में वो लोग क्या सोच रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे? मुंबई। मुंबई से सिर्फ यहाँ सिर्फ देखने के लिए आए थे या फिर ट्रिप प्लान थी और फिर उसी के साथ? नहीं, लद्दाख जाना था, लेकिन ये जो डे था स्पेशली इसी दिन हमको विजिट करना था तो वो मेन पर्पस था। लेकिन अचानक मोदी जी का प्रोग्राम डिक्लेयर हो गया और हम लोग बीच में पूरा कॉन्वे अटका के रख दिया। आज ऐसा कैसा लगा यहाँ पर आकर के? नहीं, बहुत ही सॉलिड, और जो सोल्जर ने एक्सप्लेन किया एवरी पीक बता के, मतलब हम लोग ने सिर्फ सुना था लेकिन वो यहाँ के महसूस करना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा, मतलब कुल मिलाकर के आपको आकर के। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? हम पुणे से। पुणे से आए हुए हैं, खास यहाँ पे सिर्फ पुणे से कारगिल विजय दिवस के लिए आए हुए थे या फिर कोई और प्रोग्राम भी था? नहीं, कारगिल कह और ये सब देखने का देखने के लिए आए हुए थे। कैसा लगा यहाँ पर आकर के? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। कैसा महसूस होता है वहाँ पे खड़े होकर के? आप खड़ी हुई थी बहुत देर तक वहाँ? जी, खड़ी थी। दिल भर आता है अपने नौजवानों को और उनका आत्मसमर्पण देकर बहुत दिल भर आता है। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर विकसित भारत की जो झलक है वो भी दिखाई कि पहले जो NH1 को तोड़ने की कोशिश की गई थी 1999 में, लेकिन अब टनल का उद्घाटन होगा, लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी। और साथ ही LOC पार बैठे पाकिस्तानियों को भी, दुश्मनों को भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि अब आतंक क्या कर कान खोल के सुन ले, ये सब नहीं होने वाला है। तो सही है, बात है, वैसा तो होना चाहिए, पूरा भारत को कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद से ही मेमोरियल को खोल दिया गया था और ऐसे में आम लोगों की लगातार यहाँ पर पहुँच हो रही है। वो पहुँच रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कई कई देर तक यहाँ पर बैठे रह रहे हैं। अगर हम उनसे बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आंसू भर आते हैं, भावुक हो जाते हैं यहाँ ये सब कुछ देख करके, क्योंकि 1999 में जिस तरीके से वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे योद्धा, बिना कुछ सोचे समझे वो वाकई दिल को छूने वाला था। और वहाँ पर जो शिलाएँ हैं, वहाँ पर उनके जो नाम अंकित किए गए हैं उसे देख करके लोग और भी भावुक हो जाते हैं।